नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान शनिदेव ने लिख दिया है आपका भाग्य आने वाले 3 महीनों के अंदर, यानी कि दोस्तों साल 2022 की आखिरी जो 3 महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 का यह महीना आप सभी के जीवन काल में 5 बड़े सपने सच होने वाले हैं। जी दोस्तों, भगवान शनिदेव के भाग्य बदलने के कारण आप सभी के जीवन काल में आखिरी 3 महीनों में जो बड़े घटनाएं होने वाले हैं दोस्तों, सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, आपके जीवन काल में वही फैसला हुआ है जो आप चाहते थे। जी दोस्तों, और जब इनके बारे में आप विस्तार से सुनेंगे तो दोस्तों हम यकीन दिलाते हैं कि खुशी के मारे आप उछल न लगोगे। परंतु दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। जी दोस्तों, साल का आखिरी 3 महीना बचा है। कर्मदाता ने आपके कर्मों के अनुसार जो फल दिया है उन्हें आपको किस प्रकार अपने समय के साथ सदुपयोग में लाना है, कौन कौन से कार्य अब आपको करना है, ताकि भगवान शनिदेव का जो ये कृपा है, भगवान शनिदेव का जो आशीर्वाद है, आपकी जीवन काल में हमेशा बरकरार रहे। शादी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आखिरी 3 महीनों में आप सभी के जीवन काल में आखिर कौन कौन से बड़े घटना होने वाली है, आपके लव लाइफ में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा में कौन कौन से बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। शादी दोस्तों, कौन कौन से बातों को लेकर आपको बिल्कुल ही सावधान रहना चाहिए। शादी किन किन क्षेत्रों में आने वाले 3 महीनों में आपको बहुत ही बड़ी बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, कौन कौन से दुश्मन से आपको इस महीने में बचने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, सभी की जानकारियाँ बहुत ही विस्तार तरीके से ग्रहों के गोचर और पंचांग की गणना के अनुसार आप सभी के लिए निर्मित किया गया है, तो दोस्तों इन्हें अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान शनिदेव कर्म के दाता हैं, आपके इस अच्छे कर्म के लिए आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे, सारे कष्ट को आने से पहले ही हर लेंगे। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले जो 3 महीने हैं आप सभी के जीवन काल में भगवान शनिदेव का चमत्कार चलने वाले हैं। दोस्तों, एक प्रकार से कहें आपके जीवन काल में भगवान शनिदेव यश में विराजमान हो चुके हैं आपकी कुंडली में। जी दोस्तों, शनिदेव के जो बदलाव हैं आपके जीवन काल में होना लाजमी था। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप लोग जो होते हैं बहुत ही मिलनसार किस्म के व्यक्ति होते हैं। जी दोस्तों, पल भर में किसी को भी अपना बना लेते हैं। और दोस्तों, इस राशि का जो स्वभाव होता है बहुत ही कोमल और परिवर्तनशील होता है। जी दोस्तों, इस राशि के जातक थोड़े उत्तेजनात्मक स्वभाव के भी होते हैं। जितने जल्दी आपको गुस्सा आता है उतना ही जल्दी आप गुस्से को शांत भी कर लेते हैं। जी दोस्तों, आप हमेशा अपने माइंड से काम लेते हैं, हालांकि दोस्तों गुस्सा आपको आता नहीं है और एक बार आ जाए तो दोस्तों वह गुस्सा कोई भी रोक नहीं सकता, उस गुस्से को कोई दूसरा शांत नहीं कर पाता, सिर्फ आप ही उन्हें कंट्रोल करते हैं। आप सोचते हैं कि इनमें बड़ा नुकसान हो सकता है। जी दोस्तों, क्योंकि आप हमेशा शेविंग करने में बहुत ही ज़्यादा तेज रहते हैं, कहाँ से आपको बचाव करना है, कौन से कार्य आपको करना है, इन सभी के बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं और हर कार्यों में कुछ नया ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो कि दोस्तों आपकी जीवन काल के सबसे अच्छे गुण हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस राशि के जो लोग होते हैं दिखने में काफ़ी आकर्षक होते हैं, जिसके कारण कोई भी आपकी तरफ तुरंत ही आकर्षित हो जाता है। ये घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन होते हैं, ये काफ़ी भावुक भी होते हैं, दूसरों का दुख इनसे देखा नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं, ये
पारिवारिक जीवन जीना पसंद करते हैं। ये अत्यधिक जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, जिसके कारण इन्हें कई बार मुसीबतों में भी खड़ा होना पड़ता है। बड़े बड़े मुसीबतों को भी इनको झेलना पड़ता है। दोस्तों, ये एक बार किसी चीज को ठान लेते हैं तो फिर अपनी जिद को पूरा करके ही दम लेते हैं। इन्हें परंपराओं से काफी लगाव भी होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आप शुरू को बता दें कि ये अपनी बातों से दूसरे को प्रभावित करने में भी सफल रहते हैं। इस राशि के कई लोगों में कई बार बच्चों जैसी मासूमियत देखने को भी मिलती है। ये बोलने चालने में काफी अच्छे होते हैं। इनका सामाजिक दायरा काफी बड़ा होता है। इनका स्वभाव थोड़ा डोमिनेटिंग भी होता है। दोस्तों, चीजें इनके हिसाब से न हो तो ये गुस्सा भी हो जाते हैं, और ज्यादा गुस्सा उन पर होते हैं जब किसी आपसी मामला में तीसरा टांग अड़ा दे। यानी कि दोस्तों, आपके आपस के मामले में अगर कोई व्यक्ति टांग अड़ा दे तो आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो जाए, ये अपने जुनकाल की सारी समस्याओं को खुद ही बैठ कर हल कर लेते हैं। अपने जुनकाल की समस्याओं को किसी को भी नहीं बताते, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। जी दोस्तों, तो ये इनका इस राशि के स्वभाव होते हैं। आइए इसी के साथ बात करते हैं कि इस राशि वाले जातकों के पिछले 3 महीने कैसे गुजरे थे और आने वाले 3 महीने किस प्रकार गुजरने वाले हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले 3 महीनों में आपके जुनकाल में आपके सोच के अनुसार परिणाम आपको नहीं मिल पाया है। जी दोस्तों, जितना आपको मिलना था, जितना आपने परिश्रम किया था, दोस्तों आपको उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल पाया है। जी दोस्तों, लेकिन फिर भी आपके अंदर यह चाह खत्म नहीं हुई है कि जो कार्य कर रहे हैं उनमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी दोस्तों, आपके अंदर यह गुण है, यह चाहत है कि आने वाले समय में हमारे यह कार्य जरूर बनेंगे और बनकर ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सोच आप रखते हैं कि हम जिस जगह पर हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वह कार्य हमारे लिए नहीं है, हम इससे और भी ऊंचाइयों पर जाएंगे। दोस्तों, ऐसे स्वभाव आपके पिछले समय हैं। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 महीनों में आपके जुनकाल में जो जो बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, दोस्तों सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी दोस्तों, हालांकि दोस्तों पिछले समय जो भी आपके जुनकाल में धोखेधड़ी हुई है, जो भी आपके जुनकाल में आपके साथ अत्याचार हुए हैं, दोस्तों उनसे अब आपको मुक्ति मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले समय आपने देखा है कि किस प्रकार आपके कार्यों में आपके अपने ही लोगों का हाथ है, जो कार्य बिगड़ गए हैं। जी दोस्तों, हमेशा आपके जुनकाल में आपके ऐसे ही अपने लोग जिन पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और वही आपको धोखा देते हैं। जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपका सबसे खास बात यह है कि आप हमेशा अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, आप हमेशा भगवान पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर एक ना एक दिन जो हमारे साथ बुरे किए हैं उनको सजा अवश्य देंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि ये जो गुण आपके अंदर है बहुत ही अच्छा गुण है। क्योंकि दोस्तों, अब आपके जो दुश्मन थे, जो आपके शत्रु थे, जो पिछले समय आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दिए हैं, आपके साथ धोखा किए हैं, दोस्तों अब उनको सजा मिलने वाली है। जी दोस्तों, और उनकी सजा यही होगी कि आपको बहुत ही बड़ी कामयाबी मिलेंगे और वो लोग देखते ही रहेंगे। जब आप खुशियों में शराब रहेंगे, जब आपके हाथों में सफलता की चाबी होगी, और दोस्तों जब वो लोग देखेंगे आपकी सफलता की चाबी, और दोस्तों उनके अंदर जलन की आग लगेगी और वो अंदर ही अंदर घुट घुट के जिएंगे। जी दोस्तों, और वह अपने सजाओं को काटेंगे। लेकिन दोस्तों, हम आप शुरू को बता दें कि अब आपको पीछे नहीं मुड़ना है, अब आपको अपने जुनकाल में आगे बढ़ना है। क्यों दोस्तों? आपको अपने जुनकाल में बहुत कुछ करना है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि अब आपको अपने जुनकाल में कौन कौन से विशेष बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से बड़े बदलाव आपके प्रत्येक क्षेत्र में होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में गहराई से छानबीन अवश्य करें, इससे आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे तथा समाज में भी आपका मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। दोस्तों, बच्चों को कोई उपलब्धि मिलने से घर में जो है सुकून भरा माहौल रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके सावधानियों को लेकर बात करें तो दोस्तों, किसी नैतिकी रिश्तेदार से आपके ही किसी जीत की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। यश में रिश्तों की मर्यादा का ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा।
दोस्तों मकान और फिर गाड़ी से संबंधित कागजातों को बहुत अधिक संभाल कर रखें तो आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। मेडिकल क्षेत्र में शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोग अपने विषय के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करें। यदि आप सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो दोस्तों योग्य व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शन मिलना आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। दोस्तों अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए संयम के साथ साथ मेहनत की भी आवश्यकता होगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह उपाय अगर आप यह समय कर लेंगे तो दोस्तों इनका फायदा आपको आने वाले साल में नहीं बल्कि अगले जन्म तक मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों तो बहुत ही ध्यान से सुनने का बहुत ही खास उपाय है, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों यह समय आप किसी को धार्मिक ग्रंथ भेंट जरूर करें और वह व्यक्ति जब जब उनका पाठ करेगा तो आपको पुण्य मिलेगा। तीसरा है किसी अन्य क्षेत्र के लिए मानसिक ब्याज वाली एक डी बनवा दें। जब भी उसकी ब्याज से कोई भोजन करेगा तो आपको पुण्य मिलेगा। और दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही आसान है कि आप ये जो बात है औरों को बताएं। किसी एक ने भी अमल किया तो उनका पुण्य भी आपको मिलेगा, तो आपको वीडियो को भी शेयर करना है। जी हाँ दोस्तों तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही और इसी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।